सरकार के बड़े बड़े वादे, नेताओं के भाषण, सरकारी कर्मियों की योजनाएं, ये सभी पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। एक ऐसी दलित बस्ती जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, सब कुछ हवा हवाई। पूरी बस्ती जहां एक भी साक्षर नहीं, अपना नाम तक नहीं लिख सकते। क्या यही है गांधी के सपनों का भारत? क्या यही है ग्राम स्वराज? आने जाने को रास्ता नहीं, पगडंडी के सहारे घुटने भर पाने के रास्ते, निकलने को मजबूर। हद तो ये है कि घर बनाने को अपनी जमीन नहीं। यही वजह है कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिलता। आजादी के दशकों बाद भी हालात इतनी बदतर होगी कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी जिले के बांसपट्टी प्रखंड अंतर्गत बनगांव दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 1 की। इस वार्ड में रहने वाले दलितों की कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन आने जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। इनकी पूर्वजों को स्थानीय दो जमींदार ने अपनी निजी जमीन में रहने की इजाजत दे दी, तभी ये दलित बस्ती कायम होने लगी। रफ्ता रफ्ता इनके कुंबे भरे होते गए और आज एक पूरी बस्ती आबाद है। गौरतलब तो बात यह है कि जिस जमींदार ने बसने के लिए इन्हें अपनी कुछ जमीन दिया था, आज उन्हीं में से एक ने रास्ते को अतिक्रमण करने की भी कोशिश की है, बसापता बाउंड्री लगा दिया है। आजादी के दशकों बाद भी इस मोहल्ले में शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंची, अपना नाम तक नहीं लिख सकते। आखिर सरकार की इतनी योजनाएं जो कि शिक्षा पर आधारित चल रही है, वह इस बस्ती में क्यों नहीं पहुंची? करोड़ों रुपए सर्व शिक्षा अभियान के पानी में बह गए। पीएचसी के बिल्कुल करीब फिर भी कोविड-19 की जांच नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। ग्रामीण बताते हैं कि कोई इन्हें इस कोरोना के बारे में बताया नहीं। वही स्वास्थ्य प्रबंधक की माने तो वे लोग न तो वैक्सीन लेते हैं, न ही जांच करवाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गाली गलौज भी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि कोई जाहिल समाज अगर जानकारी के अभाव में कोई गलती करता है, तो ऐसे में समाज के जनप्रतिनिधियों की भी कोई जिम्मेदारी होती है, साथ ही सरकार कर्मियों की भी। बनगांव के इस दलित बस्ती में रहने वाले सैकड़ों व्यक्तियों की बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है। बेरोजगारी दूर होगी तो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, फिर इनके यहाँ भी सभी तरह की सुविधाएं होंगी। हालांकि गांव के दबंग के द्वारा रास्ते के अतिक्रमण को स्थानीय सीओ नकारते दिख रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने की बात करते हैं। उस दिशा में उनके द्वारा पहल भी किया गया, सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा। वही रत्नेश झा सीधा आरोप स्थानीय ज्ञान वर्धन सिंह पर लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि ज्ञान वर्धन उर्फ गोपाल के द्वारा सरकारी रास्ते का अतिक्रमण कर लिया गया है। खैर, ये तो जांच का मामला है, लेकिन आजादी के दशकों बाद भी दलित बस्ती के लोगों की जिंदगी बदहाल है, ये एक बड़ा सवाल सरकार के सिस्टम पर उठना लाजमी होता है। मेरे न्यूज बिहार के लिए सीतामढ़ी से शंभू कुमार की रिपोर्ट। इन लोगों की महादलित बस्ती में जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है, और मैंने ही अपनी जमीन दे दिया, लेकिन एक आदमी के यानी अरविंद सिंह का बेटा ज्ञानवर्धन सिंह और गोपाल द्वारा ये बाधित किया गया है, सरकारी जमीन को आगे से घेर दिया गया। ये लोग बरसों से, ये 70-80 वर्ष से यही एक रास्ता है जो बरसों से लोग हेल के जाते हैं, और ये लोग हमको कहते हैं तो हम तो जितना होता है प्रयास कर रहे हैं, कोई भी लोकल पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं। जी तो सर, इसको लेकर के आप अंचल अधिकारी से भी मिले हैं, अनुमंडल समाहर्ता से भी मिले हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी मिले हैं, लेकिन कोई भी आदमी जल्दी से एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला होगा तो हम समाहर्ता के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, उससे ऊपर जो SDO वाली कॉपी है पास। जी, मैं 25/6/21 को SDO साहब से मिला था जी। उन्होंने पत्रांक 848 करके CO BDO को एक आवेदन दिए एक सप्ताह के अंदर में प्रक्रिया खत्म करने के लिए, लेकिन लोकल पदाधिकारी CO साहब या BDO साहब इस पे कोई प्रगति का कार्य नहीं किए। अभी तक जांच में भी आए कि नहीं? नहीं आए, जांच में भी नहीं आए। तो इस बीच में आप CO से मिले हैं? फोन से बात हुई है। क्या बोले CO? उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, बाद लाएंगे, फिर सोचेंगे। कोई नहीं। कहा आप लोग अपने बच्चे को काहे नहीं पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है सर, स्कूल आता था तो पढ़वे करते। एक भी मैट्रिक पास नहीं है? एक भी नहीं है सर, सब मूर्ख है। आठवीं पास तो होंगे? कोई नहीं है। पाँचवीं पास तो होंगे? कोई नहीं है। नामों नहीं लिखने आता है, मतलब यहाँ के लोगों को नाम भी लिखने नहीं आता है? जी ना। सर क्या बताएं, इतना पानी हेलते हेलते तो दिमाग, एक तो बच्चा लोग के तो डूबे से बच ही जाता है,
एकदम कितना बेरी रोड के लिए हम लोग कितना भी कुछ कोशिश किए, 10 साल 15 साल से हो रहा है, ये बोल रहा है कि आज बनेगा कल बनेगा, ये अभी तक नहीं बन रहा है। ये क्या करेगा, सरकारों भी नहीं उलट के देख सकता है कि हाँ इतना आवेदन देता है ब्लॉक में आके अभी कोई सुनवाई नहीं लेता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जाके ब्लॉक में रहेंगे, मर जाएंगे, धिया पुता यही ना होगा कि काम औरत के काम है कि घर में रहना है, बच्चा के थोड़ी देखभाल दिन भर करेगा। ये पानी रास्ता है, एक ही रास्ता है, इसी में ही आता है जाता है, अगर डूब जाएगा तो आदमी सियान घर पर थोड़ी रहता है कि इसको देखभाल करेगा। कभी दिक्कत हो या हम जाए वीडियो से आके पास तो हम सब भूखे हम सब अथी में रह मर जाए, धरना दे राती बिराती चौक चौराहा बाजार हाट एते पानी हिल के आवा एते जा पिलुए है खोटे है काट उट लेती तो अन्हारा में हम सब की जाने के लिए मर जब वही पानी है में हैं। आप लोगों ने अपना कोरोना का जांच करवा लिया है? नहीं करवाया है सर। का है? नहीं अब का है, जब कोनो आदमी रहबे नहीं कहने कहने के लिए तो कैसे हम तो करवा लिए। टीका उका भी नहीं पड़ा है? नहीं पड़ा है सर। वैक्सीन किसी को नहीं पड़ा है? किसी को नहीं पड़ा है सर। तो आपके बगल में हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो यहाँ से भी कोई नहीं गया आपके? नहीं गया है सर, न कहने गए है न कोनो कहता है, तो हम तो क्या करें, कहाँ जाएंगे हम तो लेने के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ लेने के लिए और आपको जानकारी नहीं है इस चीज़ की? नहीं है सर, जानकारी रहेगा कहिएगा तब ना करेंगे, उसका कहता है तो उधर आता है, बहुत बहुत दूर का आदमी आता है यहाँ लेने के लिए, हमको तो घर के बगल में तो नहीं आता है। तो आपको खुद जानी चाहिए था ना? तब जानने के चाहते थे सर, तब अब नहीं जाते हैं यही के लेते अभी अकेले हम क्या करें, अब कोनो नहीं लेता है तो हम लेकर क्या करेंगे, वही के लिए नहीं जाते हैं हम सर। दूसरे को जान की परवाह नहीं है, आपको तो अपनी जान की परवाह होनी चाहिए ना। महादलित बस्ती के लोगों का कहना है कि वो आम रास्ता था और उधर उस मेन रास्ते आम रास्ता नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल की जमीन है, रास्ता करके कोई खतियान नहीं है, हॉस्पिटल के नाम से जमीन है और हॉस्पिटल की जमीन है लेकिन आवेदक हॉस्पिटल नहीं है, तो उससे भी सूचना दिया गया है कि आपको अपने जमीन से संबंधित साक्षी मांग करें। जहाँ तक खतियान की बात है तो 4061 प्लॉट है जो हॉस्पिटल के नाम से 1137 किस्म है। तो वो जो अतिक्रमण किया गया हुआ हॉस्पिटल के मतलब कैंपस में आता है? हाँ, हॉस्पिटल के कैंपस में है। कैंपस में है जी जी। पर तो उसको खाली कराना हॉस्पिटल के हिसाब से तो जरूरी है? एकदम जरूरी है। अभी पिछले 25 तारीख को SDM बुकनी के यहाँ से एक एप्लीकेशन एक लेटर आपके पास आया था रास्ते के अतिक्रमण को लेकर के, तो उस दिशा में आपके द्वारा अब तक क्या पहल किया जा सका? दिशा रास्ते का अतिक्रमण की बात नहीं थी, हॉस्पिटल की जमीन का अतिक्रमण से संबंधित मामला है जिसका अभिलेख मेरे द्वारा खोला गया है, संबंधित पक्षों की सूचना दी गई है, विधिवत सुनवाई की जा रही है, फलाफल तो उससे सुनवाई के बाद ही निकलेगी। उसमें क्या समय लग सकता है? उसमें 14 दिन 14 दिन 28 दिन का समय लगता है। 28 दिन का समय?